देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रोहित महाजन और इस समय आज हम पहुंचे हैं श्रीनगर, और श्रीनगर में खास तौर पर शंकराचार्य मंदिर जो है श्रीनगर का वन ऑफ द फेमस एंड टॉप हाइट पे है। और ये रिलीजियस की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा मंदिर यहाँ पर जो लोग आते हैं श्रीनगर में एक बार दर्शन करना जरूर चाहते हैं। ये कुछ लोग हैं दर्शन करके वापस आ रहे हैं, इनसे भी जानते हैं कहाँ से आए हैं और दर्शन करके आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी सर, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। कहाँ से हो? पटना, बिहार से। दर्शन करके आ रहे हो, खास तौर पर बात कर रहे हैं अभी श्रीनगर की, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। लोग जैसे यहाँ पर आने से डरते थे या कुछ ऐसा माहौल? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज देना चाहूंगा कि सब लोग आए, पूरे भारत वर्ष से आए और यहाँ देखे कश्मीर में कितनी शांति है, यही कहना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। आप कहाँ से हो? बिहार, पटना। क्या कहना चाहोगे शंकराचार्य मंदिर के दर्शन करके? बहुत बढ़िया है, और क्या, बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज है? ठीक है, दर्शन करने लायक है, दर्शन करने लायक है। तो ये अभी कुछ और लोग आ रहे हैं वापस दर्शन करके, इनसे भी जानते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? अलका। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से दर्शन करके आ रहे हो शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। श्रीनगर पहले आप आए हो या फर्स्ट टाइम? यहाँ पहले आए हो? हाँ जी। और पहले का और अब का क्या माहौल? पहले से थोड़ा कम लगा। कम क्या, रश कम है या चेंजेस क्या लगी? रश थोड़ा सा कम लगा। रश कम लगा यहाँ? हाँ जी। तो ये देखिए, ये लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। 15 अगस्त के बाद रश थोड़ा सा चाहे कम हुआ है, पर लोगों में एक बार फिर से कश्मीर देखने की, श्रीनगर देखने की जो चाहत है वो लगातार बन रही है। लोग अभी भी पहुंच रहे हैं दर्शन करके। जी सर, क्या कहना चाहोगे दर्शन करके वापस आ रहे हो शंकराचार्य? लगा बहुत बढ़िया दर्शन हुए। क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग अभी भी आने से डर रहे हैं कश्मीर में, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, आना चाहिए उनको, कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत कश्मीर अच्छा है। बस थोड़ा सा ये है कि चेंजिंग थोड़ी सी है, लोग बहुत कम है। कम है? हाँ, अभी भी। तो ये देखिए कि लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं कश्मीर यहाँ पर देखने के लिए, और दूर दूर से लोग अलग अलग स्टेट से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे 15 अगस्त के बाद एक बार रश थोड़ा सा कम हुआ है, ये देखिए अभी भी लोग यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं, कितनी सीढ़ियां, छोटे छोटे बच्चे साथ में है, कितनी सीढ़ियां भी चढ़ के आ रहे हो और दर्शन करने जा रहे हो, क्या कैसा लग रहा है? अभी काउंट तो नहीं की भैया, लेकिन अच्छा है, जो मीडिया में दिखाया जाता है वैसा माहौल नहीं है जी। लोगों को आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा घूमने फिरने के लिए, काफी अच्छी जगह। तो ये देखिए कि लोगों के मन में अभी काफी ज्यादा शौक भी है इस चीज को लेके, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद की भी हम आपको लगातार जो रिपोर्ट है वो भी दिखाते हैं। हमारे साथ कुछ विदेशी पर्यटक मौजूद हैं और उनसे भी जानते हैं कि कश्मीर पहुंचे हैं और क्या कहना है कश्मीर के बारे में और स्पेशली श्रीनगर के बारे में। सो मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? नेउस। एंड यू फ्रॉम? स्पेन। स्पेन। एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन इंडिया और स्पेशली इन कश्मीर? She doesn't speak English. Okay. Your good name? My name is Mary. Or you from? Also from Spain. She's Spain. My mother. Okay. And how's your experience in India and especially in Kashmir? It's nice. I'm living in India for 3 years. Okay. And it's my second time in Kashmir. And this time I wanted to bring my mother to experience that. Okay. And it's very pleasant. A lot of people scare us because of the political situation. Don't go there, you know, like it's a conflict area. But we feel very good here. Nothing, very shanty place. So we are enjoying a lot. So especially in India, you are from last 3 year you are here. Yeah. And how's other tourist places, and especially which one you recommended to other people who want to came there in India? Other people from India or from other countries? For other countries, it depends, because India is huge and has a lot of things to see. So if you prefer mountains or you prefer beach, you know, or you prefer more heritage, or you prefer different. So many places you can go in India. It's huge. So depends what do you need or depends what do you want to do. Thank you so much. तो ये हमारे साथ कुछ विदेशी पर्यटक मौजूद थे जिनका ये कहना है कि जब भी इंडिया में आप पहुंचते हैं तो खासकर कश्मीर में आप आना चाहते हैं तो एक बार कश्मीर के दर्शन जरूर करिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर आकर कश्मीर नहीं देखा तो फिर इंडिया में आके कुछ भी नहीं देखा। इसके बाद भी लगातार जो स्पेशल रिपोर्ट है हम इसी तरीके से आपको वो भी पूरी कवरेज हो अभी खाते रहे। हम पहुंचे हैं अभी शंकराचार्य मंदिर में और शंकराचार्य मंदिर में लोग लगातार पहुंच रहे हैं, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और क्या कहना है इसके बारे में जानते हैं। जी अंकल,
सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और क्या कहना चाहोगे आप इस समय शंकराचार्य मंदिर में पहुंचे हो दर्शन करने के लिए, क्या कहना चाहोगे? न्यूज दागरन, जो आपका क्या नाम है इसका? न्यूज टीवी 11 का बहुत बहुत धन्यवाद है जिसने हमको इस लाइक समझा कि हम आपकी इसके टीवी पे अपना कोई इंटरव्यू दे सके। बात यह है कि हम बेसिकली कश्मीर का, अगर कश्मीर में जिस तरह हम रहते हैं इस तरह कश्मीर जैसा मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसी जगह कोई नहीं है। आई थिंक दिस इज हेवन, अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। आपने यहाँ पर अगर देखना है, पहली बात है यहाँ आप साइड सीन देखिए क्या है, वो तो आपको मालूम ही लग जाएगा पता, वो जब आएंगे देखेंगे आप। पर मेरा तो कहने का निवेदन ये है सब लोगों से, दुनिया में हर जगह जहाँ भी हमारे कोई अपने प्राय जो भी हैं, कि कश्मीर आइए आप देखिए। और यहाँ के लोगों की एक चीज़ और है, यहाँ के लोगों की हॉस्पिटलिटी इतनी अच्छी है ना कि आप दुनिया भूल जाओगे, बोलोगे यार कश्मीर वाकई जन्नत है। और मैं किसकी इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं बचपन से यहाँ आता हूँ, शंकराचार्य मंदिर जी आज दोबारा ने बुलाया। जब हम छोटे थे स्कूल पढ़ते थे कॉलेज पढ़ते थे, हम दौड़ के यहाँ पर क्रॉस कंट्री से आते थे, 25 मिनट लगते थे, आएगा ठीक है गाड़ी से आते हैं ऊपर तक आते हैं। मगर यहाँ का जो सिस्टम है, आपको गाड़ी वाला, शिकारे वाला, होटल वाला, राह चलता आपको कोई बदतमीजी नहीं बोलेगा जब तक आप बदतमीजी नहीं करोगे। और बदतमीजी वैसे भी अगर कर जाओगे वो कुछ नहीं बोलेगा। ये बोलते हैं टूरिस्ट यहाँ आए, अगर आप टूरिस्ट हो या कोई भी हो, आप एक बारी कश्मीर में आइए, ये स्वर्ग है, स्वर्ग से बढ़कर है मेरे ख्याल में। अगर हमने स्वर्ग देखना कहीं ना तो यही है, यही है, यही है। ये देखिए कितनी बड़ी बात अंकल ने कही है कि धरती पर अगर किसी ने स्वर्ग देखना है तो कश्मीर एक बार जरूर आना चाहिए। और आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखाते हैं कि इस मंदिर से टॉपेस्ट हाइट पे होने की वजह से जो है पूरे कश्मीर के दर्शन जो आप यहाँ से कर सकते हो, डल लेक से लेके पूरा कश्मीर, सच में एक स्वर्ग सा नजारा जो यहाँ पर देखने को मिलता है। और हमारा भी यही रिकमेंडेशन है कि जब भी आप एक बार श्रीनगर आए, श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर जरूर आए, दर्शन करें। कश्मीर का जो मजा है, जो लोग घर बैठे देखना चाहते हैं, वो भी हमारी इस खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हम अलग अलग जो टूरिस्ट प्लेस हैं उसके आपको जो है व्यूज वहां के क्या हैं, लोग उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो हमको आपको लगातार दिखाते रहेंगे।